Hello student, today we see the topic that is the dish antennas. Okay, so see, in a dish antenna, the antenna is placed at the focal point of the parabolic reflector. Okay, ये जो antenna है हम लोग कहाँ पर place करते हैं, that is the focal point of a parabolic reflector. Okay, then the dish antenna can be transmitting antenna or receiving antenna. जो dish antenna है हम लोग दो इसमें use करते सकते हैं, as a transmitter और receiver. Means उसको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, trans receiver. Okay, if it is transmitting antenna then all the waves coming out of the focal point. Means अगर transmitting antenna करके वो act होगा तो क्या होगा, ऑल द वेव्स क्या होगी, कमिंग आउट फ्रॉम द फोकल पॉइंट. देन वी कैन यूज डिश एंटीना एज अ रिसीविंग एंटीना एज वेल एज वी नीड टू यूज रिसीवर इंस्टेड ऑफ फोकल पॉइंट. ओके, मीन्स क्या होता है, ये जो डिश एंटीना अगर हम लोग रिसीविंग एंटीना करके यूज करेंगे तो उसको हम लोग मीन्स यूज ऑफ रिसीवर, रिसीवर के इंस्टेड ऑफ हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फोकल पॉइंट भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर विल ब्रिंग दोज रेज टुगेदर विच आर कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए. ओके, अभी ये डायरेक्शन है बी ए की, जो भी क्या है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है उसके जो रेज हैं वो कहाँ से आते हैं, कमिंग टुगेदर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ बी ए. ओके, दिस इज द पॉइंट दैट इज, दिस इज द बी ए डायरेक्शन. ओके, सो यहाँ पे जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो क्या करेगा, उसके जो रेज हैं वो कहाँ से आएंगे, डायरेक्शन ऑफ बी ए से आएंगे. ओके, जो भी बी ए की डायरेक्शन है उसके तरफ से वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के रेज आएंगे. ओके, सो सी द रेज अराइविंग फ्रॉम एनी अदर डायरेक्शन आर कनेक्ट कैंसल्ड आउट, द रिफ्लेक्टर एक्ट्स लाइक अ मिरर. मीन्स अगर कोई रेज अदर डायरेक्शन से आते होंगे, अराइव होंगे, तो वो क्या होगी, कैंसल आउट होंगे और रिफ्लेक्टर कैसे करके एक्ट होगा, एज अ मिरर करके वो एक्ट होगा. ओके, देन सी नेक्स्ट द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इंक्रीज गेन एज वेल एज डायरेक्टिविटी. जो भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो क्या करता है, गेन एज वेल एज डायरेक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ओके, दिस डायग्राम विल शो मैकेनिज्म फॉर द माइक्रोवेव डिश एंटीना. ओके, यहाँ पे जो है ये प्राइमरी एंटीना रहता है और ये जो है ये क्या रहेगा, स्पेरिकल रिफ्लेक्टर रहेगा और ये जो है ये क्या है, अपना पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. ओके, सो सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इन दिस डिश एंटीना प्राइमरी एंटीना इज केप्ट एट द फोकस ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंड एडिशनल स्मॉल स्पेरिकल रिफ्लेक्टर इज यूज्ड. जो कि अभी मैंने बताया क्या है, जो डिश एंटीना है प्राइमरी एंटीना वो कहाँ पे हम रखते हैं, दैट इज फोकस ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के इस पे हम लोग क्या करेंगे, डिश एंटीना प्लेस्ड करेंगे एंड एडिशनल स्मॉल स्पेरिकल रिफ्लेक्टर विल बी यूज. एडिशनली हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल स्पेरिकल रिफ्लेक्टर. ओके, सो सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इट इज यूज फॉर रीडायरेक्टिंग द रेडिएशन विच इज अदरवाइज गेटिंग स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन. यहाँ पे जो है जो डिश एंटेना है उसमें जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टर है या फिर अपना पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो किसके लिए यूज़ होता है, रीडायरेक्टिंग द रेडिएशन.
okay, which is otherwise getting scattered in all direction. Already scattered का जो meaning है आपको बताया है मैंने, scattered क्या होता है, all the direction में वो क्या होगा, spread होगा. Okay, so then see the next, that is the radiation pattern of dish antenna. This is the radiation pattern A to B. This is the main lobe, okay, and this is the side lobes, and this one is the desired direction. Okay, this is the radiation pattern of dish antenna. Then we see the radiation pattern includes narrow main loop and small side loops. Radiation pattern में क्या है, narrow main loops है और small side loops है. Okay, main loops और side loops. Then see the direction, sorry, the radiation pattern shows that dish antenna is highly directional antenna. जो भी रेडिएशन पैटर्न से अपन को क्या पता चलता है, जो भी डिश एंटीना है वो हाईली डायरेक्शनल एंटीना रहता है. डिसएडवांटेज देखिए, ब्रॉड मेन लोब रिड्यूस डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज. अगर ब्रॉड मेन लूप है यहाँ पे तो वो क्या करेगा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को रिड्यूस करेगा. एडवांटेज क्या है, हाई डायरेक्टिविटी एंड हाई गेन. एप्लीकेशन सैटेलाइट टीवी रिसेप्शन. ओके, दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द डिश एंटीना. थैंक यू.